ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌక్, గాంధీ చౌక్, దేవిచే చౌక్లో చిరు వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్థానికంగా చిరు వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వారిని ఉన్నపలంగా మున్సిపల్ అధికారులు ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న వారు జిల్లా కాంగ్రెస్ మైనారిటీ చైర్మన్ సాజిద్ ఖాన్కు వారి గోడును విన్నవించుకున్నారు. వారి సమస్యపై స్పందించిన ఆయన మున్సిపల్ కమిషనర్తో మాట్లాడి వారి పరిస్థితి గురించి వివరించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా చిరు వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వారిని ఉన్నపలాన ఖాళీ చేయించడం దారుణమన్నారు. వారు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అనువైన స్థలాన్ని కేటాయించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ను కోరారు. గాంధీ చౌక్, అంబేద్కర్ చౌక్, దేవిచంద్ చౌక్ ఆర్ పంజాబ్ చౌక్ కే బీచ్ మే మున్సిపాలిటీ కీ తరఫ్ సే డివైడర్ బనాయా జా రహా హై. తో యహాన్ పే ఏక 30 సాల్ 35 సాల్ సే లోగ్ జో సో कोई रेडीमेड का कारोबार, कोई फ्रूट, कोई नीचे जो सो औरतें फ्रूट्स वगैरह बेचते मंडियों में, कोई फूल वगैरह बेचते, कोई मनियारी आइटम, लेडीज़ का आइटम बेचते, छोटे मोटे चीज़ें. तो उसके वास्ते कल कलेक्टर मैडम से बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट के लिए कि इन लोगों को कहीं ना कहीं जगह अलाट करना, ये लोग कहीं कारोबार कर सके, बोले ऐसा. तो आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से उस ताल्लुक से मिलना हुआ. पूरे 175 लोग हैं ये लोग. तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात हम ये रखें कि एनटीआर चौक से जो सो न्यू बस स्टैंड तक फ्रूट्स वालों को एडजस्ट करना, रायतू बाज़ार में जो सो जो लेडीज़ मनियारी आइटम बेच रहे और रेडीमेड वगैरह बेच रहे उनको वहाँ एडजस्ट करना, और नया जो सो कमल टाकिस के पास जो सो अपना धनलक्ष्मी लाज के सामने कुछ लोगों को रेडीमेड और मनियारी जहाँ से अंबेडकर चौक नजदीक होता है वैसे बंडिया वालों को वहाँ एडजस्ट करना, ताकि गांधी चौक, अंबेडकर चौक, देवीचंद चौक और पंजाब चौक के बीच में जो बंडिया रह रहे और जो रोड को इनकन्वेंसी, ट्रैफिक को इनकन्वेंसी हो रहा, तो ये चीज़ें वहाँ से हट जाना, सिटी खूबसूरत दिखना, डेवलप होना बोल के कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश है. और आज जो डिवाइडर बना रहे वो डिवाइडर से लोगों को नुकसान नहीं है, अच्छा ही है. वन वे ट्रैफिक हो जाता और लोग जो सो कोई खरीदी फरोख्त में आए तो कार में भी आ जा सकते, बोल के ये जहन में रख के. और वो जो छोटे कारोबारी है, पुश कार्ट्स वाले और ये लोग जो छोटे जो नीचे फल वगैरह फूल बेचते, उन लोगों को जो सो बात करके हम इस बात पे कन्विंस करें कि आप कहीं और जगह पे बिजनेस कर लो, आपको जगह गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाएगा बोल के. कुछ लोग ये डरा रहे कि इनके पास गए तो हम वो करते, उनके पास गए तो ये करते. तो मैं उन लोगों को बोलना ये चाहता हूँ कि आप अगर लोगों का रोजगार छीन रहे तो उनको कहीं रोजगार की जगह बताना आपका फर्ज बनता. नहीं बताने की सूरत में ही लोग इधर उधर जाते. तो जिस वक्त जो सो काम करने वाले लोग कौन है, काम करने वाले लोग कौन नहीं है, वो पब्लिक को मालूम है. तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि लोगों को तकलीफ मत दियो, उनके रोजगार को मत छीनो. लॉकडाउन की वजह से आज खाने को परेशान है. पहले 3000 का बिजनेस होता था, 200-300 रुपये मिलते थे, आज बिजनेस ही 300-400 रुपये का हो रहा, उसमें प्रॉफिट बहुत कम है. तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि उन लोगों को वहां सेट करिए. कलेक्टर मैडम भी अपॉइंटमेंट दिए, उनसे भी मिलके गुजारिश करेंगे हम.